हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा डिलीशियस। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी का चीला। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे हम अपनी एक बाउल सूजी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच दही। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। फिर सबसे पहले इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। ये बारीक कटी शिमला मिर्च, ये बारीक कटे हुए टमाटर और ये मैंने ली है हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप देखिए, इसमें हमने इतनी सारी सब्जियां मिक्स कर दी हैं और ये बहुत ही टेस्टी चीला बनता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। आप इसे नाश्ते में ट्राई करिए। ये हैवी भी होता है और टेस्टी भी लगता है। अब हम अपना सारा ये बैटर इसको पहले मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाना है पहले। ये देखिए, हमने अब बढ़िया से अपना मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसमें अभी हम और पानी डालेंगे। इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेगा, एक बार में सारा पानी मत डालेगा क्योंकि हमें अपना बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। और हमने उसी बॉल से पानी लिया है जिससे हमने सूजी लिया हुआ था। अब देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ज़्यादा ना पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं अपना बैटर एक बार। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है ये। अब हम इसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने रखा नॉनस्टिक तवा और इसे मैंने एकदम फुल फ्लेम पे रख दिया है। ये गर्म हो चुका है। अब हम इस पे डालेंगे रिफाइंड ऑयल और हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। देखिए, हमारा तेल भी गर्म हो गया है और अब हम डालेंगे इस पे अपना बैटर। और इसे हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे ऐसे। देखिए, इसे मैंने ऐसे फैला लिया है। इसे बहुत ज़्यादा ना तो पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। अब हम गैस को अपनी धीमी कर देंगे। ये देखिए, हमारे सूजी चीले का कलर चेंज हो गया है और इसमें हल्का सा ऊपर से भी ऐसे तेल डाल देंगे और इसके साइड पे भी, ताकि ये अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, अब हम इसको धीरे धीरे यहाँ से इसके सारे किनारे छुड़ा लेंगे और इसको बहुत आराम से ऐसे करके कलर देंगे। देखिए, हमारे कलर का देखिए हमारे चीले का कलर कितना फाइन आया है। और हमने इसे दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेकना है। देखिए, हमें इसे ऐसे ऐसे हल्का हल्का दबा दबा के इसे सेक लेना अच्छी तरीके से। इसे हम एक बार और पलट के सेकेंगे।
के बाद सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस तेज कर दी है और अब इसे हम कम कर दे रहे हैं। ये देखिए हमारा चीला बिल्कुल सिक के तैयार हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। और अपना हम दूसरा चीला भी ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए हमारा चीला ऊपर से भी हो गया है, इसमें हम फिर से ऑयल डालेंगे और इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे छुड़ा लेंगे साइड से और हम इसको पलट देंगे। इसे हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही दबा दबा के सेक लेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। देखिए हमारा चीला इधर से भी सिक गया है बिल्कुल। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया हुआ है। आइए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट से। और बाकी के चीले भी हम इसी तरह बना लेंगे। देखिए हमारा चीला बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। आप इसे घर पे एक बार बहुत ट्राई करिएगा ज़रूर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल पड़े होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ये बहुत टेस्टी होता है। और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और उसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करिएगा। थैंक यू।